नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश शर्मा जाफराबादी, आप देख रहे हैं रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल पर उत्तर प्रदेश के सेल्फ फाइनेंस के डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों के वेतन से जुड़े मुद्दे पर एक विशेष और महत्वपूर्ण खबर। उत्तर प्रदेश में दर्जन भर से अधिक राज्य विश्वविद्यालय हैं। इन राज्य विश्वविद्यालयों के लगभग 10,000 से अधिक डिग्री कॉलेज हैं। इन 10,000 से अधिक डिग्री कॉलेजों में लगभग 10,00,000 से अधिक शिक्षक सेल्फ फाइनेंस स्कीम के तहत काम करते हैं। पिछले 4 महीने से लॉकडाउन की अवधि के बीच इन शिक्षकों को वेतन नहीं मिला है। अनेक कॉलेज के प्रबंधकों ने तो 2 माह का 50% और 25% वेतन दे करके अपने कर्तव्य की पुत्री समझ ली है। बाकी लोगों ने तो 4 महीने से इन शिक्षकों को वेतन नहीं दिया है। 5,000 से लेकर 10,000 तक वेतन पाने वाली ये असिस्टेंट प्रोफेसर नाम और काम असिस्टेंट प्रोफेसर का वेतन चपरासी का भी नहीं। उत्तर प्रदेश के सेल्फ फाइनेंस के इन कॉलेजों के शिक्षकों के बुरे हाल हैं। शिक्षक आए दिन शिकायत कर रहे हैं कुलपतियों से, उच्च शिक्षा अधिकारियों से, लेकिन सरकार मौन है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश के तमाम शिक्षक संगठन मौन है। कोई भी इस मुद्दे पर बोलने को तैयार नहीं है, कोई भी इस मुद्दे को उठाने को तैयार नहीं है। आखिर लाखों शिक्षकों के भविष्य और जीवन के साथ यह कैसा खिलवाड़ हो रहा है। कोरोना काल में पूरे देश और दुनिया एकजुट है इस महामारी से लड़ने के लिए, लेकिन इन शिक्षकों को वेतन की समस्या का कोई समाधान करने के लिए सामने नहीं आ रहा। उत्तर प्रदेश के सेल्फ फाइनेंस के डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों के वेतन का यह एक बड़ा मुद्दा है। लाखों शिक्षक बेरोजगार से घर बैठे हैं, उनके लिए आजीविका का संकट पैदा हो गया है। जैसे तैसे वह अपना परिवार चला रहे हैं। यह एक बड़ी समस्या और बड़ा मुद्दा है, लेकिन प्रदेश सरकार और उच्च शिक्षा विभाग को इसकी परवाह नहीं है। देश के पीएम मोदी उत्तर प्रदेश से चुनकर गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री समरसता और सबको न्याय देने की बात करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षकों के वेतन के मुद्दे पर मौन है। आखिर क्यों चुप है योगी सरकार? क्या कसूर है इन शिक्षकों का जो इनको वेतन नहीं मिल रहा है? सरकार को इस संबंध में प्रभावी कार्रवाई करनी ही होगी। शिक्षकों के वेतन के मुद्दे को हमने पहले भी उठाया है। आप देख रहे हैं रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल सतीश शर्मा जाफराबादी के साथ। कृपया इस वीडियो के लिंक को अधिक से अधिक अपने साथी शिक्षकों में शेयर करें, जिससे इनकी आवाज बहुत दूर तक जाए और एक दिन प्रदेश की सरकार को शिक्षकों के हित के मुद्दे पर सोचने को विवश होना पड़े। शिक्षकों के इस मुद्दे पर हमने अनेक विश्वविद्यालय के कुलपतियों से बात की है। विधान परिषद में इस मुद्दे को उठाने वाले प्रतिपक्ष नेता और विधान परिषद के सीनियर सदस्य राज बहादुर चंदेल से भी बात की है। आगे देखें उनका वीडियो साक्षात्कार और पूरी कवरेज। प्रदेश सरकार ने सेल्फ फाइनेंस कॉलेज प्रबंध तंत्र को अपने कॉलेज की कुल आय का 75% शिक्षकों के वेतन पर खर्च करने का शासनादेश जारी कर रखा है, लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा। शिक्षा माफिया के बढ़ते दबदबे और पहुंच से सरकार के शासनादेश हवा हवाई साबित हो रहे हैं। लॉकडाउन की अवधि की का वेतन देने के संबंध में सरकार और विश्वविद्यालयों ने निर्देश जारी किए, लेकिन इन निर्देशों की धज्जियां उड़ गईं। बार बार शिकायतों के बाद भी शिक्षकों को वेतन नहीं दिया जा रहा। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के वरिष्ठ सदस्य और नेता प्रतिपक्ष राज बहादुर सिंह चंदेल ने गत माह प्रदेश के कुलपतियों के माध्यम से सभी प्रबंधकों और प्राचार्यों को शिक्षकों के वेतन की प्रमाणिक उपलब्ध कराने के लिए पत्र जारी किया था। कुलपतियों ने इस पत्र के संदर्भ में सभी प्राचार्यों और प्रबंधकों को पत्र तो जारी कर दिए, लेकिन प्रभावी कार्रवाई से बच रहे हैं। कुछ कुलपतियों ने कहा है कि लॉकडाउन की अवधि का वेतन नहीं देने का मामला यदि साबित होता है तो वह कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उनकी संबद्धता समाप्त करेंगे। विधान परिषद सदस्य राज बहादुर सिंह चंदेल 20 से 24 अगस्त को विधान परिषद के सत्र में इस मुद्दे को उठाएंगे, काम रोको प्रस्ताव लाएंगे। आए सुने उनका पूरा ऑडियो साक्षात्कार शिक्षकों के वेतन के मुद्दे पर। सिंह साहब, ये उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन और कोरोना काल के बीच डिग्री कॉलेज के शिक्षकों को वेतन नहीं मिल रहा है, इस संबंध में जो आपने प्रयास किया है
विभिन्न विश्वविद्यालय के कुलपतियों को पत्र भेजकर उनका जो है लिखित प्रमाण वेतन का प्राप्त करने के संबंध में, क्या आपको उम्मीद है उससे कुछ शिक्षकों का भला होगा? अगर सरकार हमारा साथ दे देगी, हमारी आवाज को, इस पीड़ा को सरकार एहसास करेगी, तो निश्चित रूप से सब कुछ हो सकता है। बस ये कम से कम इतना ही देख लें, ऑडिट करें कि इनको ये तय हुआ था कि शायद 75% ये फीस मानदेय में देंगे और 25% विद्यालय के मेंटेनेंस के लिए रखेंगे। जी वो नहीं हो रहा, 50% वेतन पे खर्च नहीं कर रहे हैं। जी तो एक रीत नहीं तो बना दें कि और कम से कम न्यूनतम मानदेय निश्चित सुनिश्चित कर दें और तद अनुसार वो फीस का आकलन करा दें, कितना इनको फीस लेना चाहिए बच्चों से। जी तो ये है कि फीस अच्छी ली जा रही है और मानदेय बिल्कुल नगण्य है, 5,000 रुपए है एक प्रोफेसर का जो प्रोफेसर के रूप में काम कर रहा है, उस दायित्व का निर्वहन कर रहा है और वो पा रहा है 5,000 रुपए जो अपने अपने परिवार का उधर पोषण नहीं कर सकता। सर इस संबंध में क्या आपने कभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और शिक्षा मंत्री प्रोफेसर दिनेश शर्मा जी से की बात की है या उनके संज्ञान में यह मामला लाए हैं कभी आप? संज्ञान में अनेकों बार हम लोग ला चुके हैं, प्रतिवर्ष तो एक विस्तार से वार्ता होती ही होती है और विधान परिषद के प्रत्येक वित्त विहीन विद्यालय, चाहे वो मदरसों से लेकर के इंटर कॉलेजेस हों और सेल्फ फाइनेंसिंग के डिग्री कॉलेज हों, इन सब की बात को उठाते हैं। अलग अलग सेल्फ फाइनेंस का अलग उठाया, इंटर तक के विद्यालयों का अलग उठाया, उर्दू का अलग उठाया, सब अलग अलग करते हैं। तो सूचनाएं हमारी लगती, आश्वासन मिलता है। पहले जब सदन में कोई आश्वासन होता था तो एक सदन की गरिमा थी कि उस आश्वासन को आश्वासन समिति को भेजा जाता था, उसे सरकार देर सवेर आश्वासन देती थी तो पूरा करती थी। वही घोषणा सदन के पटल पर जो देता था मंत्री या मुख्यमंत्री या नेता सदन जो देता था, या नेता संसदीय दल का नेता देता था, विधानसभा में हमारा नेता सदन होते हैं, जो मुख्यमंत्री माननीय दिनेश शर्मा जी हमारे नेता सदन है, मुख्यमंत्री के बिहाफ पर वही सब चीजों का जवाब देते हैं। अच्छा सर एक बात और बताइए कि आप जो है अब इस जो आपने मांग की है इसके बाद आपका अगला कदम क्या होगा जिससे टीचर्स को उनका हक और वेतन मिल सके? अब कुछ आगे, अब इस समय लॉकडाउन है नहीं, हम लोग गत वर्ष हमने मूल्यांकन बहिष्कार का नारा दिया था, मूल्यांकन बहिष्कार को तो बुला करके खुशामद करके 8 मार्च 2019 में इन्होंने वार्ता की थी और ये कहा था कि हम वित्त विहीन और सेल्फ फाइनेंसिंग के विद्यालयों का एक सुनिश्चित मानदंड मानदेय करा देंगे, लेकिन दुर्भाग्य है उसमें दोबारा कोई वार्ता नहीं की। कई बार प्रयास हुआ तो ये व्यस्तता वो व्यस्तता और दुनिया की व्यस्तताएं बता करके बैठ लेंगे, लिखित हमको दे दीजिए, लिखित तो दे चुके, विधान परिषद में उठाते रहते हैं, लिखित तो जाता रहता है। अच्छा सर अब विधान परिषद का आपका सत्र आने वाला है, उस सत्र में आप कुछ करेंगे इस संबंध में प्रभावी कार्रवाई के लिए? ये प्रभावी कार्रवाई के लिए लिखेंगे और बहस करेंगे, 105 कामरों को प्रस्ताव लाएंगे। अच्छा 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 कुलपतियों को जो आपने पत्र भेजा है तो कुछ सकारात्मक प्रक्रिया कुछ मिल रही है प्रतिक्रिया उनकी के कुछ जवाब मिल रहा है? कोई जवाब नहीं मिला अभी तक, तो नहीं मिला कोई। तो इस मुद्दे को भी आप क्या विधान परिषद में उठाएंगे? हाँ उस पत्र का रेफरेंस देते हुए बात उठाएंगे। और सर जी जी और कुछ कहना चाहेंगे आप जिससे कुछ शिक्षकों का भला हो जिनको वेतन नहीं मिला है 4 महीने से उत्तर प्रदेश सरकार के संबंध में, और शिक्षकों को कोई संदेश देना चाहेंगे? शिक्षकों के विषय में तो हम लोग विशेष चिंता है कि यदि उस स्थिति में हम लोग होते तो देखते कि कैसे परिवार चलते हैं, किस तरह से 5,000-10,000 वेतन पा करके कैसे आदमी गुजर बसर कर रहा, कितनी कठिनाई झेल रहा, कितनी मुसीबत उसका परिवार है, कि वो अपने परिवार का भरण पोषण करना तो दूर रहा, मतलब सुख सुविधाएं देना, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना तो दूर रहा, भरण पोषण तक नहीं कर पा रहा, अपने परिवार का रख रखाव सही नहीं कर पा रहा, फिर बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहा, समाज में इस निराशा से बड़ा
उत्तर प्रदेश के आगरा, बरेली, मेरठ, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, पूर्वांचल और आगरा सहित अनेक विश्वविद्यालयों के कॉलेजों से शिक्षकों के वेतन की शिकायतें लगातार आ रही हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है क्योंकि सरकार प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रही। उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री जो एक प्रोफेसर रहे हैं वह भी इस मुद्दे पर मौन है। सरकार आखिर क्यों चुप्पी साध रही है लाखों शिक्षकों के वेतन के मुद्दे पर? प्रदेश की योगी सरकार और उच्च शिक्षा विभाग को निरंकुश प्रबंध तंत्र के खिलाफ कड़ी और प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे शिक्षकों की गरिमा बनी रहे और देश के कर्णधारों का भविष्य बनाने वाले ये शिक्षक तो वक्त की रोटी के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में न तरसें। अनेक कुलपति अपने अपने स्तर से वेतन नहीं देने वाले कॉलेज प्रबंध तंत्र के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एन के तनेजा ने कहा कि यदि वेतन नहीं देने का मामला साबित होता है तो वह कॉलेज की संबद्धता समाप्त करेंगे। अन्य कुलपति भी कुछ कुछ ऐसा ही प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस मामले में शिक्षक एकजुट नहीं है। नौकरी जाने के डर से वह चुप्पी साध गए हैं और शिकायत नहीं कर रहे, सामने नहीं आ रहे। ऐसे में इस मामले को उठाने वाले लोग भी आखिर कब तक उनकी लड़ाई लड़ेंगे? उन सभी शिक्षकों को जिनके साथ अन्याय हो रहा है उनको भी सामने आना होगा। वह इस मामले की शिकायत कुलपति से, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री से करें, तभी आपको अपना हक मिलेगा, आपकी आवाज बुलंद होगी। इस मुद्दे को हम आगे भी उठाते रहेंगे। आप देख रहे थे रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल सतीश शर्मा जाफराबादी के साथ। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, पुश बेल आइकन एंड शेयर विद फ्रेंड्स। थैंक्स।